प्लीज टेक केयर। एंड सो आई जस्ट बेसिकली मैं आपको एक वी बी डिस्कसिंग ऑन टू थ्री पॉइंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन। फर्स्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बबल टी। सेकेंड, व्हाट आर आवर प्रोडक्ट्स। थर्ड, की मार्केट है कि नहीं। फोर्थ, व्हाई शुड यू एंटर इन टू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज नॉर्मली आज फ्रेंचाइज लेता है इंसान तो इसीलिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, ही वॉन्ट्स अ गुड हैंड होल्डिंग कंपनी जिसके साथ में वो आगे बढ़ सके। तो हम वैसे क्या पॉइंट्स को देते हैं, एंड हम बेसिकली बहुत लिमिटेड फाइनेंशियल पॉइंट्स बात करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो फाइनेंशियल मॉडल है, बहुत ही डीप है। एनी वन हु यू नो आफ्टर द मीटिंग, इफ एनी वन वॉन्ट्स मोर डिटेल ऑन द होल फाइनेंशियल मॉडल, आई बी ग्लैड टू सेंड एवरी वन ये पूरा प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल मॉडल पूरा एक्सेल शीट बना के, यू नो वी कैन पुट ऑन मेल, आप मेल पे फिर बराबर से आराम से पढ़ के, यू कैन अगेन गिव मी अ कॉल एंड देन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस आई कैन गिव यू अ आंसर। बेसिकली वील बी रनिंग ऑन द कॉन्सेप्ट टुडे। नाउ व्हाट इज डॉक्टर बबल, सबसे पहले व्हाट इज बबल टी। बबल टी एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, बोलने के लिए इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बहुत इजी चीज है, बट इज एक्चुअली 30-40 ईयर ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो साउथ ईस्ट एशिया बेस्ड है। इसमें नॉर्मली जो चाय रहती है, जो मिल्क टी रहती है, उसमें भी ब्लैक टैपियोका पल्स डाला जाता था। ये किसके लिए नॉर्मली यूज होता है, जो नॉर्मली उधर हसल बसल में काम करते हैं, जिनको लंच का टाइम नहीं होता है, तो एक स्टेपल चीज है उधर, बबल टी पी लिया अपना मील हो गया। इसके अंदर प्रोटीन से लेके कार्ब से लेके फाइबर से लेके सब आ जाता है। ये बोलने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट इट इज अ कम्प्लीट मील। तो ये 30-40 साल से चल रही है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में, बट लास्ट 10 साल से ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा हिट होते जा रहा है, बिकॉज इसको उन लोगों ने बहुत ही कलरफुल, बहुत ही यू नो डिफरेंट बना दिया है। जिससे जैसे मैंने आपको बोला, पहले खाली मिल्क टी में ब्लैक टैपियोका पल्स होते थे, अभी मिल्क शेक्स भी होते हैं, आइस टी भी होती है, आइस कॉफी भी होती है। हमने तो इंडिया में लस्सी में भी चालू किया है, ब्लैक टैपियोका पल्स छोड़ के हमने बबल्स चालू किए, जेली चालू किए। तो जो कॉन्सेप्ट था, जो ड्रिंक और ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, वो हमने लेके थोड़ा एलैबोरेट किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी हुआ है। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है अभी फिलहाल वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हमने घर में पकाया हुआ है और आपको हम बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा चलेगा। ये राइट नाउ आप पूरे वर्ल्ड में आप सर्वे करेंगे तो बबल टी के लिए राइट नाउ सबसे ज्यादा क्रेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग बबल टी की पूरा पूरा महीना बबल टी पीते हैं, मतलब पूरे पूरे मील्स जो है खाली बबल टी से पूरा करते हैं। ये इतना इतना लोगों को जज किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, यूके देखिए, यूएस देखिए, इट इज राइट नाउ द मोस्ट ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट। तो रियली वी फील कि जो चीज आउटसाइड इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो हिंदू बेस्ड कंट्रीज भी है, सब जगह चल रहा है, तो वो इंडिया में भी हिट होना चाहिए। इंडिया में हम जब भी पहले लेके आए, हमको बहुत चैलेंजेस पड़ी, वी वर द फर्स्ट पीपल टू गेट इट। हमने फिर उसको एलैबोरेट भी किया, इंडियनाइज भी किया। तो हमारा कॉन्सेप्ट हम आगे जाके बताएंगे कि बहुत इंडियनाइज भी है, क्लासिक भी है, ऑथेंटिक भी है, सब चीज हमने मेन्यू में रखी हुई है, खाने की भी आइटम्स है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नाउ द नेम। बबल टी जो है कॉन्सेप्ट है, नाम जो है हमारा डॉक्टर बबल्स है। डॉक्टर बबल्स क्योंकि हम आगे भी बहुत चीजें पुटअप करेंगे कि इसमें बहुत सारी हेल्दी चीजें भी हमने यूज की है। तो ऐसी चीज नहीं है कि आगे जाके यू नो ये हेल्दी का कॉन्सेप्ट अभी बहुत ही यू नो हेल्थ कॉन्सेप्ट भी कोविड के टाइम में बहुत लोग हेल्थ में शिफ्ट हो गए। तो नॉट एवरी वन आज के टाइम में शुगर कम, कैलोरीज कम, ये सब देखते हैं, तो हमने वो हिसाब से इसको थोड़ा बेस किया हुआ है। बट इतना भी नहीं कि टेस्ट ही पूरा चले जाए, क्योंकि इंडिया के सबसे पहले तो टेस्ट ही आता है। अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो आप हेल्दी बोलोगे, कुछ भी बोलो, कोई कुछ नहीं हाथ निकल यू नो लगाने वाला। तो दैट्स व्हाई वी फील कि हमारा टेस्ट इज द मेन थिंग। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट अस। हमने 2015 में चालू किया था फर्स्ट आउटलेट। हमने तीन आउटलेट पहले चालू किया था, तीन आउटलेट इन डिफरेंट लोकेशन। एक खाओगली एरिया था, एक मॉल एरिया था, और एक हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग रोड था उधर था। हम जब लेके आए, हमने फुल सेटअप इंपोर्ट किया था, पूरी मशीनरी इंपोर्ट की थी, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था। आप मानेंगे नहीं, एक सेटअप, एक शॉप हमको 50 लाख रुपए की पड़ी थी। हमारा कॉन्सेप्ट ही हुआ था कि हम पहले इधर आके मार्केट देखेंगे कि मार्केट में कितना पूछ है, मार्केट में कितना डिमांड है, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम उसको मशीनरीज इंडियनाइज करने लगे, रॉ मटेरियल इंडियनाइज करने लगे। नाउ यू से यू नो बबल टी अगर आप बाहर से लेके आ सकते हैं तो हम भी लेके आ सकते हैं। यस यू कैन 100% गेट इट। बट हम आपको डॉक्टर बबल के क्यों जाना चाहिए, फर्स्ट तो यूनिक ब्रांड है, हमने इसके रॉ मटेरियल से लेके मेन्यू से लेके मशीन से लेके सब कुछ इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है।
एंड हम लोग खाली बबल टी के ऊपर नहीं चिपके हुए हैं, हम लोग इसमें नवे नवे और आइटम्स लेके ही आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो देखा कि जो बबल टी पिएगा वो ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन है। जो एक्सपेरिमेंटल पर्सन होता है सर, वो थोड़े दिन में ही बोर हो जाता है। आपको उसको कितनी भी अच्छी चीज दो, वो 6 टाइम में ही बोर हो जाएगा, वो सेट वाला बंदा है ही नहीं। उनको आपको नवी नवी चीज देते रहना चाहिए। जैसे आप मैकडॉनल्ड की देख लीजिए, उनके बर्गर सेट होंगे बट उनकी जो एडिशनल सपोर्ट प्रोडक्ट्स है वो चेंज होते ही रहते हैं। अब देखिए हैप्पी मील, हैप्पी मील के टॉयज चेंज होते ही रहते हैं, बिकॉज एक बच्चे को सेम घड़ी घड़ी टॉय देंगे तो हैप्पी मील भी नहीं लेगा। तो दैट इज वाई वी कीप ऑन इनोवेटिंग विद न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स, एंड न्यू प्रोडक्ट ऐसे नहीं जो मार्केट में चल रहा है, हम लोग कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। आप आगे जाके हमारा मेन्यू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एवरीथिंग वी हैव इज टोटली यूनिक। अनदर थिंग, जैसे मैंने बताया इनिशियली हमारे जब 50 लाख रुपीज पर शॉप लगे, आज हम लोग वही शॉप सर 15 लाख रुपए में सेट करके देते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग योर फ्रेंचाइज फीस। तो वी हैव मेड द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी चीप, वी मेड द कॉन्सेप्ट एंड द रॉ मटेरियल जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, हमारा कॉस्ट 50% जो है फूड कॉस्ट पड़ता था, आज हमारा कॉस्ट जो है 15 to 20% है, क्योंकि हमने सब लोकलाइज कर दिया। हम थोड़ी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़ी चीजें हमारे लिए स्पेशली मैन्युफैक्चर होते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरर्स। ये कोई भी चीज आपको मार्केट में मिलेगी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ही बनती है। Another thing, हमने वो देखा कि बबल टी जो पीने वाला आता है कभी कभी अपनी फैमिली के साथ आता है, तो हमने ऐसा भी नहीं रखा है कॉन्सेप्ट कि खाली जो पीने आएगा उसी को मिलेगा। हमने हॉट कॉफी भी रखी है, मतलब सेवरीज भी रखे है, डेजर्ट्स भी रखे। तो हमने ऐसा बनाया कि पूरी फैमिली आएगी तो पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ होगा ही होगा, 100% होगा। Another thing, why do you take a brand? के ब्रांड सेट होना चाहिए, ब्रांड ने ऑलरेडी फ्रेंचाइजिंग की होनी चाहिए, ब्रांड में स्कोप होना चाहिए। स्कोप तो मैंने आपको समझाया कि यू नो कॉन्सेप्ट में दम है तो स्कोप में दम होगा ही। वी ऑलरेडी ओपन अबाउट 45 आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया। तो एंड हमने बनाया हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कोई भी इंडिया के कोने में जिधर ट्रेन स्टेशन हो, हम उधर इजिली आपको कनेक्ट करके जितना भी है सर्विस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन इफ इट इज अ टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, टायर 1 सिटी, एवरीथिंग इज गुड फॉर अस। वी वन अवार्ड, 4 अवार्ड, एंड दीज अवार्ड आर रियली बिग इन मोर ऑन टेक्निकल साइड, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स को अवार्ड मिले हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑल्सो गुड। अनदर थिंग, बिकॉज हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे कॉन्सेप्ट का नीड एंड स्पीड। हम ऐसा नहीं है कि यू नो कस्टमर ने कोई सजेशन दी, वो सजेशन जा रही है, घूम रही है, कुछ उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। हम जो फ्रेंचाइज की जो नीड होती है, हम वो उसको फास्टेस्ट स्पीड के अंदर हम उसको यू नो सॉल्व करते हैं। अनदर थिंग, हमारा जो कॉन्सेप्ट है फोफो मॉडल है, ये आपने फ्रेंचाइजिंग में बहुत सुना होगा, फोफो मॉडल, फोफो मॉडल, फोफो मॉडल। तो फोफो मॉडल होता है कि आप ही की दुकान है और आप ही चलाने वाले। अभी बहुत लोग बोलते हैं यार अभी आपका कॉन्सेप्ट है, हम कैसे चलें? तो हमने उनको कॉन्सेप्ट को बनाया है ऐसा है कि पूरा मशीन बेस्ड है, पूरा इजी टू यूज है, पूरा एसओपी बेस्ड, एसओपी मैनुअल बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मेरा शेफ आएगा तो अच्छा बनेगा, आपका शेफ आएगा तो खराब बनेगा। एवरीथिंग इज एसओपी बेस्ड। आपकी पूरे ऑफिस के जो स्टाफ रहता है या आपके ऑफिस को प्यून को हम पूरा का पूरा ये मेन्यू सिखा सकते हैं एक ही दिन के अंदर ही। पूरा आप देखिए मैकडोनल्ड्स के अंदर कब सब फ्रेशर्स रहते हैं, और फ्रेशर्स वही बर्गर बनाते हैं जो आपने पहले 5 साल पहले खाया रहता है। क्यों? क्योंकि उनका एसओपी मैनुअल बेस्ड पूरा सिस्टम रहता है। तो इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल आपका है, पूरी शॉप आपकी है, पूरा स्टाफिंग आपका है। स्टाफिंग को यस वी विल गिव यू टोटल हेल्प इन गेटिंग द स्टाफ एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, यू विल जस्ट हैव टू स्टैंड ओवर देयर एंड डू बिजनेस। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हमको तो खड़े भी नहीं रहना, तो वो कॉन्सेप्ट के लिए फोफो मॉडल आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। दिस इज अ बिजनेस वेर यू नीड टू स्टैंड। एंड सर, कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर ओनर हैज टू बी प्रेजेंट। लाइक अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप कौन सी रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे जहाँ आप मैनेजर को जानते हैं, ओनर को जानते हैं? आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं मैं इधर के ओनर को जानता हूँ। मे बी ओनर कुछ करता नहीं होगा, बट एक रिलेशन होना कंपलसरी है विथ योर कस्टमर्स। कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, आप जो डिसीजन ले सकते हैं आपका स्टाफ नहीं ले सकता। नथिंग स्टाफ रिक्वायर्ड इज फ्रेशर, तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस कंपनी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बबल ने स्टाफ नहीं दिया तो आप लटक गए। आप टोटली अपना स्टाफ रख सकते हैं, कोई भी पर्सन रख सकते हैं। अगर आपको उन पे कॉन्फिडेंस है तो हम उनको पूरा ट्रेन कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं भी आती होगी चलेगा, लोकल लैंग्वेज भी आती होगी, जस्ट कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। आई तो फील हमारे पास एजुकेशन का भी हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, जस्ट द पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू बिजनेस। बिकॉज बाकी सब चीजें यू नो टैग बेस्ड है, एसओपी बेस्ड है, रेसिपी बेस्ड कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा यू नो यूनिट बेस्ड है पूरा। इट बिकम वेरी इजी फॉर अ लेमैन पर्सन ऑल्सो टू डू एवरीथिंग।
ये मैंने बनाया, मेरे स्टाफ ने बनाया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तो जब भी हम एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, मैं खुद मेरी ड्रिंक्स इन्वेस्टर्स को खिलाता हूँ, एग्जैक्टली सेम बनती है जो हमारा स्टाफ बनाता है, बिकॉज इट इज दैट इजी टू डू इट. नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि हमको ये ब्रांड का बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है, जैसे हमको आप कैफे कॉफी डे बरिस्ता देखेंगे तो 800 फुट 1000 फुट की कैफेज होती है. सर ये कैफेज के अंदर सर उनका जो रेंटल ही इतना है हाई होता है कि दे कैन नेवर रिमूव द आरओआई. ये उनका क्या रहता है ना कि ये बड़ी आईपीओ कंपनीज रहती है जिनके अंदर उनको दिखाना रहता है कि हमारी शॉप कितनी बड़ी रहती है. पैसा कभी कोई कमाता नहीं है बड़ी दुकान से. तो दैट इज वाई हमको चाहिए कि हमारा फ्रेंचाइजी मेन चीज जो है पैसा कमाए इसके अंदर से. 1 से 1.5 साल के पहले ही उसका पूरा का पूरा पैसा निकल जाना चाहिए, बाकी पूरे 4 साल शुड बी प्रॉफिट फॉर देम. तो दैट इज वाई वी स्टार्ट विद अ स्मॉल शॉप. आज के जब कोविड पीरियड में तो स्मॉल शॉप की ही वैल्यू है, बिकॉज स्मॉल शॉप से मेनली टेक अवे होता है. टेक अवे हमारा स्विगी जोमेटो और जो फिजिकल टेक अवे तो चल ही रहे हैं. एंड जो आउटलेट जो पहले कैफे और सिटिंग और डाइनिंग में करते थे, आज सब सफर करते हैं, बिकॉज रेंट तो सभी को बढ़ना है, हमको भी बढ़ना है, बट हमारा रेंट पहले से कम था तो हमारे को आज की तारीख में भी हर्ट नहीं हो रहा. बिकॉज हमारे यहाँ जो पहले लोग आते थे वो 91 टेक अवे वाले ही आते थे. सबसे पहले इफ यू गो पॉइंट वाइज, छोटा इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी फास्टर और आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा ये बबल टी सेक्टर में घुसने के लिए. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप ये खुद से डालते हैं, आप इम्पोर्टेड मशीनरी लेके आते हो, आपको 40 से 50 लाख रुपए खाली सेटअप पड़ेगा. ये बबल टी बनाना है, हाथ से तो सर कोई भी बना सकता है, बट जब भी आपको कंट्रोल्ड वे में ज्यादा कॉपीज बनानी है और एग्जैक्टली सेम, देन यू रिक्वायर मशीनरी, और ये मशीनरी बहुत ही बहुत एक्सपेंसिव आती है. बट इसको सब मशीनरी को हमने लोकलाइज किया हुआ है. अगेन बिकॉज मशीनरी इट बिकम इजी टू ऑपरेट, आपको कोई शेफ की जरूरत नहीं है, लेस ऑफ मैन पावर क्योंकि अगेन टोटली मशीन बेस्ड है. देन आपका छोटी दुकान जितनी रहेगी उसमें एम्बियंस बनाना बहुत ईजी रहता है, बिकॉज आप उस पर थोड़ा दिल खोल के खर्चा कर सकते हो. जितनी बड़ी दुकान रहेगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप थोड़ा उसके अंदर हाथ अपना खींचेंगे. छोटी दुकान रहेगी बराबर से सजा सकते हो. दूसरा एक इमोशनल कनेक्ट क्या होता है कि साई जी आई विल टेक क्वेश्चन आफ्टर द माय प्रेजेंटेशन, क्या वो फ्लो टूट जाता है, पर आप क्वेश्चन अपना याद रखिए, आप 100% आंसर योर क्वेश्चन. तो क्रिएटिंग एन एम्बियंस, फॉर एग्जांपल बड़ी दुकान है जिसमें 15 टेबल है, उसमें 5 टेबल भरे हुए हैं, जगह कैसी लगेगी? खाली. बट अगर 5 ही टेबल है और 5 टेबल भरा भरे हुए की जगह कैसी लगेगी? भरी हुई. एंड भरी हुई जगह में ऑटोमेटिकली क्राउड ज्यादा खींचता है, क्राउड देख के क्राउड आता है. वो ही सेम सबसे मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल वो ये वर्ड ऑफ माउथ या साइट ऑफ क्राउड. अगर साइट है सर लोगों भरे हुए, लोग प्रोडक्ट नहीं देखेंगे क्या है, बस क्राउड है तो हमको भी देखना है क्या प्रोडक्ट है. क्रिएटिंग एन एम एन बिकम्स वेरी इजी. स्टाफ कंट्रोल सर हमारे पास शॉप से जो 2 स्टाफ में भी पूरी शॉप चल जाती है. अगर शॉप इज 150 to 250 square feet, स्टॉक कंट्रोल इजी हो जाता है, बिकॉज हम सब डिस्पोजेबल में करते हैं, कुछ भी कटलरी क्रॉकरी का कोई टेंशन नहीं रहता है. सबसे मेन लेस ऑफ रेंट. आप अगर Tier 2 cities में देखेंगे तो वी आर लुकिंग एट अबाउट 25-30,000 rupees रेंट. आप Tier 1 cities में देखेंगे तो वी आर लुकिंग एट अबाउट 75 to 1 lakh rupees रेंट. एंड Tier 3 cities में भी अगेन लुकिंग एट अबाउट 20,000 rupees ऑफ रेंट फॉर द शॉप. नाउ अगेन दिस इज ऑल माई अजम्पशन बिकॉज ऑन माई प्रीवियस फ्रेंचाइजी डील. आज की तारीख में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बेटर लोकेशन भी हो सकती है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द मार्केट. सबसे मेन व्हाई डू यू टेक अ फ्रेंचाइज, दो लोग दो ऑप्शन रहते हैं, एक आदमी को शौक रहता है इंडस्ट्री में घुसने को, या एक आदमी पैसे कमाने के लिए घुसता है. तो जो पैसे कमाने के लिए घुसता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी फास्टर. टू ओपन अनदर शॉप आपका दिल भी चाहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी ओपन्ड अ शॉप इन चेन्नई इन द कोविड पीरियड ओनली. आज 3 महीने के अंदर वो ही फ्रेंचाइजी ने दूसरी शॉप ली, क्योंकि उनका फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आरओआई हो गया, इतना अच्छा सेल था उसका. तो आपका अगर आर ओ आई होगा, यू विल वांट टू ग्रो ऑल्सो दैट फास्टर. नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न मनी, एवरी वन लाइक्स टू ग्रो. तो जितना आपका आर ओ आई फास्टर होगा, दैट मोर फास्टर यू विल ग्रो. नथिंग, जैसे मैंने पहले बताया यूनिक ब्रांड है. यूनिक हम कैसे है, हमारे जो आउटलेट्स है वेरी लैब थीम है, जो डिजाइन है उनकी, तो जो बॉम्बे के अंदर डॉक्टर बबल थे, जो अमरावती में, जो दिल्ली में, सब भी सब सेम ही दिखते हैं. सबका कॉन्सेप्ट सेम है, सबकी ड्रिंक सेम है. देन हम ईटेबल्स देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हम खाली ड्रिंक्स बेस्ट नहीं है, खाली कोल्ड ड्रिंक्स बेस्ट नहीं है, हॉट बेस्ट है, ईटेबल्स है, सेवरीज है. अनदर थिंग, वी आर अ प्योर वेजिटेरियन ब्रांड. हमारी कोई कोई चीजें तो वीगन है. ये वीगन कॉन्सेप्ट इंडिया में इतना हिट नहीं हुआ है, बट ये
हर चीज थोड़े टाइम में ट्रिकल डाउन हो ही जाती है, जितना हेल्थ इन होएगा उतना वीगन भी इन होएगा। वेजिटेरियन रखने में फायदा यह है कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वेजिटेरियन से तो इसको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो यू आर ओपन टू सर्व टू एवरी वन। अनदर थिंग, ऑल आवर ड्रिंक्स आर हैंडमेड टू ऑर्डर, मतलब मशीन बेस्ड है, बट कस्टमर को अगर कम मीठा ज्यादा मीठा कुछ भी चाहिए तो यू नो यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली। तो ऐसा नहीं है जो बटन दबाया वो ही निकलेगा, कस्टमर को जैसे चाहिए वैसा निकल सकता है। दीज आर सम ऑफ आवर फ्रेंचाइजीज एंड सम ऑफ आवर अवार्ड्स, आई विल जस्ट ब्रश थ्रू द स्लाइड। ये सब चीज, ये पूरा प्रेजेंटेशन आई विल बी मेलिंग इट टू यू ऑल्सो, तो प्लीज मेक श्योर आप अपना चैट बॉक्स या इंट्रोडक्शन में आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। आई वोंट बी कॉन्टेक्टिंग यू ऑन फोन राइट नाउ, बट यस आपको कोई भी इंक्वायरी है तो यू नो आई कैन ऑलवेज कम ऑन यू नो डायरेक्ट फोन कॉल, दिस इज माई फोन नंबर, आप नीचे देखेंगे, आई विल बी अगेन दो तीन टाइम में और अपना फोन नंबर दे दूंगा, तो डायरेक्ट फोन नंबर है, एनी टाइम यू ऑल कैन गिव मी अ कॉल, आई विल बी यू नो हैप्पी टू आंसर। Now this is one of the biggest things, you know, people say कि brand का support क्या होगा, brand Dr. Bubbles brand हमने ले लिया, franchise fees दे दिया, brand का support क्या है? Brand का support सर क्या क्या चीजों में होता है, या हम जो चीजों में लेते हैं, एक तो डिजाइनिंग, टोटल डिजाइनिंग हम करेंगे, इसके अंदर शॉप डिजाइनिंग हो गई, मेन्यू डिजाइनिंग हो गया, सोशल मीडिया डिजाइनिंग हो गया, मार्केटिंग डिजाइनिंग हो गया, तो इसकी पूरी टीम है हमारे पास में। Another thing, training. आपको जैसे मैंने इनिशियली बोला, आप अगर फॉर एग्जाम्पल अपने खुद के स्टाफ रखते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग का जिम्मा हमारा है, अगर फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए तो फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी, नहीं तो 95% ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो हमारे वीडियोस है, ये जैसे जूम कॉल चल रहा है वैसे ही हम पूरा, बिकॉज मशीन है, मशीन का क्या बटन वापरना है, कैसे करना है, वो हम पूरा वीडियो पे भी समझा सकते हैं। तो हम फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग का फायदा ये है कि इट इज मोर फास्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हमको एक सवेरे आप बोलेंगे कि ट्रेनिंग की, शाम तक आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। So we have that kind of facility also. We have a full training team जिसका आपको पूरा contacts दिए जाएंगे कि कौन सी टीम क्या करती है। Another thing, हमारा जो concept है बहुत ही young है, तो young के फायदे ये है कि सर आज के दिन में young लोग ज्यादा टीवी नहीं देखते, young लोग खाली अपना फोन ही देखते हैं, फोन जो है सोशल मीडिया बेस्ड है, तो हमारा जो मार्केटिंग फोकस है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया बेस्ड ही है। आप फेसबुक देखेंगे, आप इंस्टाग्राम देखेंगे, स्नैपचैट देखेंगे, उस पर हमारा बहुत ही बहुत फोकस रहता है। एंड हम क्या करते हैं, हर फ्रेंचाइजी के लिए अलग पेज बनाते हैं, दिस पेज इज ऑलवेज लिंक टू आवर मेन पेज, बट ऐसा नहीं कि खाली हमारे पास एक ही जो मेन पेज है, इसके अंदर हम आपके लिए स्पेशल पेज बनाएंगे, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कस्टमर, सो वी विल गिव यू एडमिन राइट्स ऑल्सो फॉर सॉरी फॉर दैट, वी विल गिव यू एडमिन राइट्स फॉर योर ओन पेज ऑल्सो। Another thing, इसमें फायदा क्या होता है, आपके खुद के पेज रहेगी तो आपको इवेंट इंक्वायरी बहुत आती है, और हमारे कॉन्सेप्ट में इवेंट्स के बहुत ही ज्यादा इंक्वायरी आते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट और कोई कर रहा नहीं है, जो बबल टी कॉन्सेप्ट है, जो भी इंटरनेशनल घूम करके आते हैं, मे बी उनको अपनी बर्थडे पार्टी में चाहिए, शादी में चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल कोई कमर्शियल इवेंट या एग्जीबिशन में चाहिए, तो डॉक्टर बबल्स इज द ओनली ब्रांड राइट नाउ इन इंडिया विच इज गिविंग प्रॉपर यू नो बबल टी का पूरा सेटअप। तो वी विल बी ट्रेनिंग यू फॉर इवेंट्स, एंड इवेंट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इट्स बिग, समटाइम्स जो दुकान का सेल रहता है, कोई कोई महीनों में इवेंट्स का सेल दुकान से ज्यादा रहता है, तो आई तो फील एवरी फ्रेंचाइज शुड टारगेट इवेंट्स ऑल्सो। नथिंग, पैन इंडिया मार्केटिंग इज पॉसिबल, वी डोंट राइट नाउ डू पैन इंडिया मार्केटिंग, बट वी फोकस ऑन वेयर आवर फ्रेंचाइजीज आर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जम्मू में किसको दिया हम उधर भी कर सकते हैं, कन्याकुमारी में भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आवर मार्केटिंग टीम इज रेडी टू डू पैन इंडिया मार्केटिंग। नथिंग इनोवेशन, हम जो बनाते हैं हम वी कीप ऑन शेयरिंग अवर इनोवेशन, जैसे जो नवे नवे कॉन्सेप्ट है, हम जो हमारे पेरेंट स्टोर से पहले उधर लॉन्च करते हैं, हम देखते क्या कॉन्सेप्ट क्या नवा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा और ये पूरा नवा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वी कीप ऑन शेयरिंग न्यू इनोवेशन, सो यू नॉट स्टक विद वन कॉन्सेप्ट ओनली। जैसे आप नवे ब्रांड्स देखेंगे जो मिल्कशेक्स के खुले थे, इतने हो हा से बड़े बड़े ब्रांड्स खुले सब, एंड खाली मिल्कशेक ही बेच रहे थे और गायब हो गए, फिर कितना आदमी खाली मिल्कशेक पिएगा? आप जब तक उसमें चीजें ऐड नहीं करेंगे आपका ये ब्रांड 5 साल चलना मुश्किल है। तो दैट इज व्हाट वी डू इज गो ऑन एडिंग न्यू इनोवेशन। गोइंग ऑन टू आवर यूएसपी, ऑल आवर मशीन्स अगेन आर मेड फॉर अस और मेड बाय अस, ऑल द मशीन्स आर स्टेनलेस स्टील हाइजीनिक मशीन, एंड सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर स्टिल इंपोर्टेड। तो इसमें जो आपकी क्वालिटी है वो क्वालिटी आपकी टॉप नॉच ही रहेगी। नाउ प्रेजेंट 2018 तक वी हैड रीच्ड अबाउट 50 आउटलेट्स,
कोई भी आउटलेट बंद हुआ है, कोई भी आउटलेट नवे चालू हुआ, कोई भी ऑलवेज मेंटेन दैट द रेशियो ऑफ 50 आउटलेट्स. नाउ हाउ टू गेट आरओआई फास्टर, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है. नाउ वी स्टार्ट, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट. आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 14 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. ये आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका 5 लाख रुपए का फ्रेंचाइज फीस होता है, जो हमारा 5 ईयर्स का अग्रीमेंट होता है टू टोटली सर्विस एंड टू मार्केटिंग एंड टू सपोर्ट एंड टू ट्रेनिंग एंड यू नो गिविंग अवर नेम टू यू एंड हमारे कॉन्सेप्ट टू यू. तो जो टू फॉर यू टू बी टाइड अप विद अस, वी टेक अ फ्रेंचाइज फीस ऑफ 5 लाख रुपए जो इंक्लूडेड है. जो हमने मैंने आपको बोला था सर 20-30 लाख रुपए की हमने इनिशियली मशीन इम्पोर्ट की थी, वो मशीन हमने इंडियनाइज करके 3-3.5 लाख रुपए की मशीन बनाई है, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है. हम 2 से 2.5 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक या इनिशियल जो स्टॉक लगता है वो डालेंगे. बहुत लोग आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ये बोलते नहीं है, बट वी रियली फील यही पैसा आपका आगे जाके रोलिंग होएगा. तो नॉर्मली 14-15 लाख इज द मैक्स इन्वेस्टमेंट, उसी से आपकी रोलिंग चालू हो जाती है. एंड 4 से 5 लाख रुपए आपका एक शॉप में लग जाता है. अभी ये शॉप जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही यूनिवर्सल शॉप बोल रहा हूँ, 150-250 फुट की. वी हैव डन टेक अवे काउंटर्स जो 2 लाख में ही बन जाते हैं, तो 4 से 5 लाख के लगता ही नहीं. तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ हायर साइड पे बोल रहा हूँ, अगर 150 से 250 फुट की दुकान होगी तो. नाउ ये जो आप 14 से 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ टू गेट इट एज फास्ट एज पॉसिबल. सबसे पहले तो मुझे फ्रेंचाइज का 100% चाहिए. हम हमारा 100% दे रहे हैं तो फ्रेंचाइज का भी 100% रहेगा. फ्रेंचाइज अग्रीमेंट इज एज गुड एज अ पार्टनरशिप, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड हैंडल करेंगे, मैं बैक एंड हैंडल करूंगा. बैक एंड में आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, इंक्लूडिंग डिजाइनिंग सेटअप एवरीथिंग इज माई हेडेक, बट काउंटर पे तो खड़ा आपको ही रहना है, आपकी बेबी है आपको हैंडल करना है, आपको सपोर्ट कुछ भी चाहिए वी आर देयर टोटली. अभी बहुत फ्रेंचाइजीज रहते हैं जो छोड़ देते हैं, जैसे दुकानदार ही छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं आएगा, पर सेल्स में फर्क पड़ता है, सेल्स कम आएगा. तो दैट इज वाई फील 100% इज इम्पोर्टेंट. अनदर थिंग एड ऑन, जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग है, जब भी आपका 100% रहता है तो वी कैन ऑल्सो फोकस आवर मार्केटिंग. आप बता सकते हो कस्टमर को ऐसे पकड़ना है, आपके पास क्लासेस वाला ज्यादा कस्टमर है, आपके पास कॉलेज वाला ज्यादा कस्टमर है, तो हम मार्केटिंग थोड़ी वो हिसाब से बेस कर सकते हैं. नहीं तो फिर जो जनरल मार्केटिंग हम करते हैं वही आएगी, बट अगर आप इनपुट्स देंगे तो हम मार्केटिंग को भी हम वो हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. अनदर थिंग इज इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, कोई मेन 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 मनी है. लाइक वी हैव डन शादियां जिसमें यू नो एक शादी का हमारा बिल 1-1.5 लाख रुपए खाली बबल टी का, 2-2 हजार लोग की शादी हो जाती है. तो जब भी ऐसे इवेंट्स मिलते हैं महीने महीने का सेल, आप जो पूरे शॉप के महीने का सेल है 4 इवेंट में निकल जाते हैं. तो आई रियली फील वी शुड फोकस ऑन दैट. तो अब ये सब चीजों पे फोकस करेंगे तो आपका आरओआई शुड कम आउट इन 6-7 मंथ्स ओनली. वी हैव डन आउटलेट्स व्हिच हैव गिवन इन 6-7 मंथ्स, एक हवा की बातें नहीं है, बट जनरली आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा अबाउट 18 मंथ्स टू बी ऑन द सेफ साइड. नाउ जैसे मैं बोल रहा था कि खाली हमारे पास बबल टीज नहीं, हमारे पास यू नो कॉम्प्लीमेंटिंग वॉफल वेराइटीज, आप वॉफल भी हमारे देखेंगे वेरी डिफरेंट. ये बबल वॉफल है जो हमने इंडिया में लेके आए थे, लॉट ऑफ पीपल हैव कॉपीड, बट जो कॉन्सेप्ट जो डाई जो है वो हमारी है. साइड में आप देखेंगे तो अमेरिकन वॉफल जो स्क्वायर वॉफल है, बहुत लोग इंडिया के अंदर वॉफल जो बेचते हैं, बेल्जियन वॉफल बेचते हैं, दे मोर थिनर, हमारे वॉफल द मोर थिकर, तो बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट हुई, जो टेस्ट मुला एक केक ब्राउनी ना, दो तीन चीज का कॉम्बिनेशन टेस्ट होता है. तो इसमें फायदा क्या है कि डाई हमारी कॉन्सेप्ट हमारा, तो अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो उसके पास और कोई यू नो ऑप्शन ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि बेल्जियन वॉफल मिल रहा है 10 अलग ब्रांड में 10 अलग दुकान में मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेल्जियन वॉफल से लो कि आपको दूसरे ब्रांड से लो, सबका टेस्ट वही रहने वाला. तो कस्टमर बढ़ जाता है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर कस्टमर को ये पसंद है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा. लेफ्ट में आप देखेंगे तो पैनकेक्स भी है, पैनकेक भी थोड़े डिफरेंट है, मैं आगे जाके उस पर हूँ. नाउ हमारे बबल टीज में भी क्या यूनिकनेस है, सबसे पहले तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मैंने आप बताया था डॉक्टर वाला वर्ड जो डॉक्टर बबल्स, हमारे इंग्रेडिएंट्स है सब नेचुरली सोर्स्ड है. कोई कोई लोग को बहुत फर्क पड़ता है ये चीजों से, कोई कोई लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये उससे क्या फर्क पड़ता है नेचुरली है कि नहीं है, बट है तो अच्छी बात है. तो वी आर यू नो पोटरिंग टू ऑल पीपल, जो हेल्दी भी चाहिए, जिनको नहीं भी चाहिए, जिनको टेस्टी, उनका मेन क्राइटेरिया दैट इज आवर मेन थिंग. देन जो टैपियोका जो मेन यू नो जो टॉपिंग है वो हम लोग रॉ मटेरियल रेडी यू नो कस्टमर के लिए बनाते हैं, एंड दे ऑल जो प्रिपेयर होते हैं दे ऑल फ्रॉम इम्पोर्टेड मटीरियल. दीज इम्पोर्टेड मटीरियल आर फ्रॉम कोरिया और ताइवान, ये हम खुद इम्पोर्ट करते हैं. देन नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया जो चाय फ्लेवर का ही रहता था, बट नाउ वी हैव फ्रूट फ्लेवर्स, यू नो मिल्क फ्लेवर्स, कैरमल फ्लेवर्स, वी हैव अबाउट 25 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ बबल टीज एंड बबल शेक्स.
एंड ही मेड इट, जैसे बबल टी जो इंटरनेशनली सर बहुत ही पतली और यू नो वेरी थिन वाटरी चाय होती है, बट हमने इंडिया में इधर थिक बनाया उसके, बिकॉज इंडिया के अंदर लोगों को रिच ज्यादा पसंद है। तो हमने इतने 4-5 सालों में सीख सीख के इंडिया के टेस्ट के हिसाब से पूरा मेन्यू सेट किया। अगेन ये मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज क्या है। तो सेंटर में है वो हमारे ऑथेंटिक, जो अभी बहुत लोग जो इंटरनेशनली पी के आए हैं उनको ऑथेंटिक चीजें चाहिए रहती, तो वो इंडियनाइज वाली चीजें इतनी अप्रिशिएट नहीं करते। तो हमारे पास ऑथेंटिक चीजें भी है, इंडियनाइज भी है। तो मैं बताता हूँ जो सेंटर में है वो हमारा टारो बबल टी है, जो बहुत ही यू नो एक टारो इज अ रूट ऑफ अ प्लांट, वेरी थिक चीज है। एंड ये टारो बबल टी बहुत ही इंटरनेशनली फेमस है। एंड इसके ऊपर टैपियोगा के पर्ल्स है जो साबुदाना बेस्ड होते हैं, वेरी ब्लैंड वेरी टेस्टलेस। लेफ्ट में आप देखेंगे तो हमारी मैंगो आइस टी है जिसके अंदर पैशन फ्रूट बबल है। राइट में हमारी ग्रीन आइस कॉफी है, जो ग्रीन आइस कॉफी है, हम ब्लैक कॉफी जो रहती है ग्रीन कॉफी बीन से बनाते हैं, ब्लूबेरी फ्लेवर में विथ रास्बेरी जेलीज है। लेफ्ट में हमारे शेक्स है और राइट में हमारा लस्सीज है। जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज व्हाट, हर चीज में हम वापस थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। अगेन द मेन्यू आइस टीज, मिल्क शेक्स, हॉट कैफेचिनो का पूरा मशीन है जिसमें लाते से लेके जैसे आप देखें खाली ठंडी चीजें नहीं बिकती, अगर ठंडी का महीना रहेगा तो आपको गर्म चीजें भी चाहिए रहती है। तो पूरा चाय का मेन्यू, पूरा कॉफी का मेन्यू है, बबल वॉफल, आइस कॉफी, योगर्ट शेक, जो लस्सी होती है। अगर लस्सी में आप नॉर्मली एक दो फ्लेवर रहता है, मेरे पास 20 फ्लेवर है लस्सी में भी, स्क्वायर वॉफल, हॉट चाय, दीज आर सम ऑफ आर इंटरनेशनल चाय के, जो बेसिकली हमारे खाली चाय नहीं है, यू नो खाली अदरक चाय और लेमन ग्रास चाय नहीं है। वी हैव समथिंग लाइक मोका टी है, ताइवानीज टी है, जापानीज माचा टी है, कैपेचिनो में भी है, हांगकॉन्ग टी भी है। जैसे आप ये पर्पल देखेंगे तो टारो टी, और ग्रीन वाली जो है माचा टी है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज ऑल्सो, कि जो मेच्योर्ड ऑडियंस है वो भी कुछ नई चीज यू नो एंजॉय कर सके। ये हमारा पूरा मेन्यू है, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया। हर कॉन्सेप्ट में हमारे पास 20 डिफरेंट फ्लेवर्स है। इतना चॉइस बॉम्बे में कोई नहीं देता, इंडिया में कोई नहीं देता। चॉइस कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इफ यू नो व्हाट यू लाइक इट बिकम वेरी इजी टू ऑर्डर। नाउ वी विल कम अप टू हमारी बबल टी में फर्क क्या है, हमने इंडियनाइज क्या किया। सबसे पहले तो आप इंटरनेशनल जाएंगे, 4 से 5 फ्लेवर ऑफ बबल टी मिलते हैं। आपको 20 डिफरेंट चॉइसेस दिया है। Another thing, हम freshly brew करते हैं, कोई भी पाउडर बेस्ड कुछ भी नहीं, freshly brew करते हैं। इसकी मशीन आती है, इसमें 20, जब तक मशीन चालू रहेगी freshly brew with fresh green tea leaves के साथ में होता रहेगा। It is all natural, full of antioxidant, तो हेल्दी चीज है। एंड इसके अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट डालते हैं। अभी हमने ग्रीन टी क्यों लिया और ब्लैक टी क्यों नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली ब्लैक टी में बनता है, इंडिया में हमने ग्रीन टी, बिकॉज इंडिया के अंदर हमने देखा कि ब्लैक टी इतना अप्रिशिएट नहीं हो रहा था। अब यंगर ऑडियंस को ब्लैक टी देंगे ना तो इतना नहीं लोगों को जच रहा था, बट यंगर ऑडियंस को अचानक से ग्रीन टी बहुत यू नो फील होने लगा, कि लोगों को लगता है ग्रीन टी इज अ मोर हेल्दियर कॉन्सेप्ट, एंड इट इज, तो वो हिसाब से अच्छा जाता है। नथिंग बबल कॉफी, अगेन वी ब्रू कॉफी विद ग्रीन कॉफी, फ्रेश कॉफी बीन्स, वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड टू ब्रू कॉफी विद ग्रीन बीन्स। 0% इन कैफीन, 0% बिटरनेस, इट इज वेरी रिफ्रेशिंग टू, बिकॉज 0% कैफीन, जो 2 साल का बच्चा है वो भी इसको पी सकता है विदाउट विदाउट एनी स्ट्रेस ऑफ एनी रिएक्शन गोइंग टू दैट। सो इट हैज द फुल टेस्ट ऑफ कॉफी, अरोमा ऑफ कॉफी, बट विदाउट 0 कैफीन और बिटरनेस, सो इट बिकम द गुड हेल्दी रिफ्रेशमेंट एस सच। देन द बबल शेक्स, अगेन इट आर थिक रिच एंड क्रीमी शेक्स, दे आर मेड फ्रॉम नॉन डेयरी क्रीमर, तो इसमें दूध या दूध की डिराइव कोई चीजें नहीं है। तो इट इज एलर्जी फ्री, लैक्टोज फ्री, बट टेस्ट लाइक अ थिक आइसक्रीम शेक। इसमें फायदे बहुत है कि बहुत लोग को इंडिया में लैक्टोज या दूध से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग कभी यू नो के बाहर नहीं आते, तो उनके लिए इट इज अ लो कैलोरी एलर्जी फ्री लैक्टोज फ्री थिक शेक, एंड जिसके अंदर फिर हम हमारे टॉपिंग डाल सकते हैं। अगेन अवर लस्सी हम दही से नहीं बनाते, हम एक प्रोबायोटिक बेस से बनाते हैं, गुड फॉर योर सिस्टम, गुड हेल्दी बैक्टीरिया, टेस्ट एग्जैक्टली लाइक अ थिक लस्सी, बट इसके अंदर हम फ्लेवर वो ही सब जली जो हमारा, और ये बन जाती है 2 से 3 मिनट में। ऐसा नहीं कि दही बनाओ, दही बना के रखो, मतलब पाउडर बेस्ड रहता है पूरा, पाउडर बेस्ड मिक्स किया उनकी मशीन के अंदर, 3 मिनट के अंदर कस्टमर के हाथ में, और 3 मिनट के पहले सब कुछ भी रेडी नहीं। तो ये हर चीज 2 से 3 मिनट के अंदर कस्टमर को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको सवेरे पूरा बैठ के रेडी करना पड़ता है, या पूरा सब फ्रिज में सेट रहता है, खाली निकाल के मिक्स करके सर्व कर देना है, दैट्स इट। नाउ हमारे बबल वॉफल, ये हमारा सबसे ट्रेंडिंग ईटेबल है, जो ट्रेंडिंग का वर्ड ये रहता है, जो लोग जिसकी फोटो निकाल के फेसबुक पे डाले या इंस्टाग्राम पे डाले,
ये इतना, ये फोटो में थोड़ा छोटा दिख रहा है पर है अच्छा खासा बड़ा, 2 से 3 लोग से मिनिमम खत्म होता है, ना तो खत्म भी नहीं होता है। तो जो तो दिखता है बहुत ही फ्रीकी, बहुत ही बड़ा वॉफल दिखता है। इट इज कॉम्बिनेशन सॉफ्ट वॉफल, हार्ड वॉफल, क्रिस्पी वॉफल, आइसक्रीम संडे, डेजर्ट, चॉकलेट, सबका एक कॉन्सेप्ट है जो पूरा हमने यू नो एक बड़ा फ्रीक संडे जैसा बनाया है। तो इसी लोग फोटो ज्यादा लेते हैं, तो ये हमारी मार्केटिंग में बहुत हेल्प करता है। अमेरिकन वॉफल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी डाई अलग है, हमारा रॉ मटेरियल अलग है, उसका टेस्ट भी अलग है। बोलने के लिए रोटी 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 होती, पर हर घर की रोटी अलग होती है, वैसे ही हमारा वॉफल थोड़ा अलग है एंड इसकी टेस्ट में बहुत फर्क है। एंड जिनको ये पसंद है, लाइक आई टोल्ड, दे हैव टू कम टू आवर प्लेस। नाउ दीज आर द वॉफल नाचोस, दिस इज अ वेरी स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। दिस नॉर्मली कैसे रहती है, आइसक्रीम रहता है, आइसक्रीम का कोन रहता है जिसके अंदर आप स्कूप डालती है, वही चीज है। बट ये ऐसी चीज है कि 10 लोग शेयर कर सकते हैं, वही आइसक्रीम का कोन है, बट चिप्स की जगह पे आप अपना डिप करिए इन योर स्कूप एंड हैव इट। तो इट इज अ शेयरेबल आइसक्रीम। आज की कोविड के टाइम पे आप अपना कोन किसी के शेयर नहीं करेंगे, बट ये इसमें किसी को टच तो कुछ हो रहा नहीं है। तो इट बिकम्स अ वेरी शेयरेबल एंड वेरी सोशल प्रोडक्ट। सेम प्राइस है, 90 to 100 rupees की प्राइसिंग है, ऐसे भी नहीं कि अनअफोर्डेबल है। जो आपकी रेगुलर आइसक्रीम की प्राइसिंग होती है वही प्राइसिंग में है, हमने पूरा तामझाम हम प्रेजेंट करते हैं। ना पैनकेक्स, इंडिया में पैनकेक्स कभी हिट ही नहीं हुए थे, बिकॉज ए वेरी डोई, बहुत ही आटा यूज होता है उसमें। बट तो हमने क्या कर दिया, आटे की क्वांटिटी कम कर दी, छोटे छोटे पैनकेक्स, स्मॉल बेबी साइज पैनकेक्स बना दिए, जिसमें टॉपिंग ज्यादा और यू नो बैटर कम है। तो ये यू नो बहुत ही एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज बाइट साइज है, बहुत इजीली यू नो यू कैन ईट इट। चम्मच काटे से काटने की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है। असॉर्टेड फ्लेवर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज सब अलग अलग पीसेस होते हैं उसमें। जैसे मैंने बताया, हॉट चाय, हॉट कॉफी का पूरा मेन्यू है, एंड वी मेक इट विथ कॉफी बीन्स। तो इट कम्स आउट एज गुड एज योर आपकी बारिस्टा कैफे कॉफी डे स्टारबक्स, वैसे ही बनता है। ये हमारी स्पेशलिटी नहीं है, बट या वी डू सर्व इट। पटेटो वॉफल जैसे आप देखेंगे, आप रेगुलर डेजर्ट वॉफल आपने देखेंगे, पटेटो वॉफल जब पटेटो बैटर से बनते हैं तो दे आर सेवरी। उसके बाद चीज सॉस, ऑरिगानो, तो इट बिकम द कॉम्बिनेशन ऑफ पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज एंड वॉफल्स। ये कॉम्बिनेशन आपने लाइफ में नहीं कहीं खाया रहेगा। तो ये ऐसे हम बताते हैं कि हम यूनिक यूनिक चीजें कैसे लेके आते हैं। ये कॉन्सेप्ट का तो फायदा क्या है कि आपको नवा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज ही नहीं करना है, बिकॉज आपको सेम ही वॉफल मशीन यूज करनी है। तो वी ट्राई टू यूज द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कोई कोई चीजों में हमको नवी चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइक आइसक्रीम बर्गर, इसमें तो हमारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। आइसक्रीम हमारे पास थे, टॉपिंग हमारे पास थे, वी बाय टूटी फ्रूटी बंस फ्रॉम द मार्केट एंड उसी को ग्रिल करते हैं। ग्रिल करके उसके अंदर आइसक्रीम डाल के देन सर्व इट टू कस्टमर विथ क्रंची यू नो कॉर्नफ्लेक्स एंड चॉकलेट चिप्स। इट इज वेरी सेवरी स्वीट कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डूइंग वेरी वेल इन द स्टोर। वी लॉन्च देम, सम स्टोर्स हैव लॉन्च्ड इट, सम स्टोर्स हैवंट। तो जिधर भी रखा है अभी तक तो बहुत चल रहा है। नाउ वो टैपियोका, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनली जो बबल टी का जो मेन टॉपिंग होता है वो टैपियोका होता है। टैपियोका इज समथिंग विच इज डिराइव फ्रॉम टारो प्लांट। आपको लोकल इंडियनाइज लैंग्वेज में बोलूं तो ये हमारा जो साबुदाना रहता है वही सेम चीज है, पर इंटरनेशनल साबुदाना ब्लैक कलर में करते हैं, हम हमारा व्हाइट कलर में। उधर भी टैपियोका, व्हाइट टैपियोका भी मिलता है, पर ब्लैक टैपियोका ज्यादा यूज होता है। तो वही सेम चीज है, इट इज अ वेरी स्टार्ची थिंग, वेरी हैवी थिंग, तो इट फुल ऑफ कार्ब्स एंड योर ड्रिंक इज फुल ऑफ प्रोटीन। तो पूरा मेल हो जाता है, जिसको मेच्योर चीजें पसंद है उनको ज्यादा पसंद आता है। यंग लोगों के लिए हमने फिर चॉकलेट चिप्स लेके आए। चॉकलेट चिप्स में भी आप देखेंगे 3-3 अलग वेराइटीज है। फ्रूट जेलीज है, अगेन अवर फ्रूट जेली हम जेलेटिन से नहीं बनाते, हम कोकोनट से बनाते हैं। अगेन वी आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू गिव कोकोनट जेली। अब ये कोकोनट जेली बोलने के लिए सब चीज कोकोनट का टेस्ट किसमें भी नहीं है। अगर मैंगो जेली है तो मैंगो से ही बनता है, सॉरी मैंगो का ही टेस्ट होगा। स्ट्रॉबेरी जेली है तो स्ट्रॉबेरी का ही टेस्ट होगा, बट कोकोनट का उसका बेस रहता है। तो उसमें जेलेटिन, जो लोग बोलते हैं जेलेटिन इज समथिंग नॉन वेज चीज होती है, तो वो डाउट ही दिमाग से निकल जाते हैं कि इसमें जेलेटिन है मेड फ्रॉम कोकोनट। जो हमारा मेन सेलिंग थिंग, जो टैपियोका जो बॉल्स होते हैं उसकी जगह हमने पॉपिंग बबल्स लेके, अभी ये पॉपिंग बबल्स है क्या, ये हमारा सबसे मोस्ट सेलिंग टॉपिंग है। इसके अंदर हमारे 20 different choices ऑफ फ्लेवर, इसमें कीवी है, पैशन फ्रूट है। तो ये सिरप रहता है पूरा अंदर, ऐसी मशीन से पास होता है, जब सिरप ड्रॉप होता है ऊपर का लेयर जम जाता है तो बबल बन जाता है पूरा सिरप का। तो आप एक ही ड्रिंक में फॉर एग्जाम्पल 4 different bubbles डाल दिए, हर सिप में आपको अलग बर्स्ट आएगा एंड कुछ भी मिक्स नहीं होगा। तो जब तक बबल बर्स्ट नहीं होगा उसका सिरप निकलेगा नहीं। तो एक ड्रिंक में आपके 4 flavor हो सकते हैं एंड वो 4 के 4 flavor आपको अलग तरीके से आएंगे। तो हर फ्लेवर का जो ये पॉप होता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही इंजॉयबल होता है, जिनने कभी ट्राई नहीं किए है। तो दिस पॉपिंग बबल्स इज अ गुड कॉन्सेप्ट भी है।
Now, so basically is the end of the presentation, giving you whole thing of the products क्या है, हमारा concept क्या है, कहाँ से आए, हमारी history क्या है. Financially, I will be answering some, more queries. I'll show you some Dr. Bubble के stores जो मैं आपको बता रहा था. कि ये shop जो हमारी mall के अंदर है, 200 फुट की शॉप है. 200 फुट की शॉप में हम, आपने देखा, हमने सिटिंग कम ही रखी हुई है, बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो टेक अवे कॉन्सेप्ट ही रखा हुआ. एंड जो सिटिंग बन सकती थी उधर भी हमने एक फोटो ऐप एरिया बना दिया, जिधर लोग आके फोटो ले सके. बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट है 3 मिनट में हम ड्रिंक दे देते हैं. अभी कस्टमर अगर बैठ जाएगा तो 20 से 25 मिनट के लिए तो बैठ जाता है. तो वॉट वी ऑल्सो वॉन्ट के रोल आउट जल्दी होते रहे, एंड रोलिंग होगी तो आपका सेल ज्यादा होगा. तो वी मेक मोर थिंग्स जिधर आदमी इंजॉय करके अपनी ड्रिंक लेके आगे मूव ऑन हो जाए. नाउ इन स्टोर इन सूरत आप देखेंगे जो जो कॉन्सेप्ट है, वेरी लैब थीम. आप ये लड़की का यूनिफॉर्म भी देखेंगे तो इट इज लाइक अ लैब कोट है, टी शर्ट, और उसके ऊपर लैब कोट जैसी डिजाइनिंग है. डॉक्टर का स्टेथिस्कोप है. हमारा कॉन्सेप्ट भी बहुत ही फन एलिमेंट से हमने बनाया हुआ है. सम ऑफ द रिव्यूज यू कैन ऑलवेज गो सी आवर रिव्यूज ऑन सोशल मीडिया, जोमेटो. कोई दूसरी क्वेरी है तो येस वी बी वी लाइक टू आंसर देम. So yeah, that's the end of the presentation. So Ashwati, I'll take some questions. Okay, before that I will give you a hint. जैसे मैंने आपको initially भी बोला था, लोग पूछते हैं कि financially पे थोड़ा discuss कर लेते हैं. तो basic regular points I will just try to cover. कि investment क्या है? Investment about 14 to 15 lakhs है, जिसमें 5 lakhs आपका franchise fees है, 2 to 3 lakhs आपका opening stock है, 3-3.5 lakh rupees आपका machinery है, and 4 से 5 lakh rupees आपका interior और exterior, it includes your electronics and your board and your carpentry, civil work, POP work, ये सब लगभग 4 से 5 लाख रुपए लग जाता है. अगेन ये सब वेरिएबल है, एवरीथिंग इज शॉप टू शॉप बेसिस. ये मैं आपको एक लमसम कॉस्ट दिया हूँ, कस्टमाइज भी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका बजट कम है तो वी हैव लेसर बजट ऑप्शन ऑल्सो. तो यस, अनदर थिंग, प्रॉफिट मार्जिन क्या है? जैसे मैंने बीच में बोला था, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इज 75 to 80% है. हमारा फूड कॉस्ट इज 15 to 20%. तो इसमें आप जो भी सेल कर रहे हो, आपको 70 to 80% आपके घर पे आपको बच रहा है. अगेन रॉयल्टी क्या है? यस, वी ऑल्सो डू टेक अ रॉयल्टी. लाइक वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ बैक एंड एक्सपेंडिचर जो हम आपसे ले नहीं सकते. तो लोग बोलते हैं रॉयल्टी क्यों लेते हैं लोग? सर हमारे वेयरहाउसिंग है, हम जो भी माल बनाते हैं हमको टनेज में बनाना पड़ता है, वही हिसाब से हम आपको वही हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं. हम जो मशीनरी बनवाते हैं, हम एक दो मशीनरी नहीं बना सकते, हमको 100-100, 200-200 मशीन एक साथ में बनानी पड़ती है. तो उसका वेयर हाउसिंग से लगी, ये बैक एंड की कोई चीज हमको कहाँ से रिकवरी नहीं होती. तो ये हमारा ब्रांड का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो हम थ्रू रॉयल्टी लेते हैं. दैट्स अबाउट 6 to 8% डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर इन. तो हर सिटी टू सिटी डिपेंडेंट है. सो इफ इट्स अ न्यू सिटी, यस वी टेक हायर एट 8%. इफ इट्स अ सिटी वेयर वी ऑलरेडी हैव एन आउटलेट, सो यस वी टेक अ लेसर कॉस्ट एट 6%. तो दैट्स द बेसिक ऑन फाइनेंशियल. यस, ये कैसे आपको रिकवरी आएगी, हर चीज का बेसिक बाइफरकेशन क्या है, ये पूरा का पूरा मैं आपको मेल पे डालूंगा. तो डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडल, ब्रोशर्स, हमारे थोड़े फोटोग्राफ्स ऑफ द मेन्यू, हम क्या अवार्ड जीते हैं, पूरा मैं आपको इन्वेस्टर मेल बना के 100% टूडेज डेट या मे बी टुमारो डेट आपके मेल के अकाउंट में होगा. तो ये अशोक जी, आई एम गुड विद द प्रेजेंटेशन, डोंट माइंड टेकिंग क्वेश्चंस.